पर और क्या करें सब दोनों टीम यहाँ पर लाना बच जाए अच्छी कॉमेंट बॉक्स के नीचे फाइनल मुकाबला और पहला ऑडिशन पिछले साल खेला गया था दूसरा ऑडिशन और इस तरीके से 16 रन आ चुके हैं 5 गेंदों में क्योंकि इतना इनका समय जो बहुत बहुमूल्य होता है आपका क्रिकेट देखने के लिए आए आज का मैं चीफ गेस्ट गेस्ट हमारे स्पेशल गेस्ट और दो स्पेशल गेस्ट लेकिन सरकार अपना काम कर रहे हैं चाहे स्कूल बोर्ड को दौड़ाएंगे चलाएंगे टहलाएंगे या लेट लेट के भी जाएंगे तब भी पहुंच जाएंगे सारे गेंदों में 41 रन है इस मुकाबले को मेरा ये बहुत तगड़ी टीम बन चुकी है मैं कहता हूँ और भी तगड़ी टीम बन सकती है और एवेंजर्स अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो पिछले दो फाइनल हार चुके हैं आज जीत सकते हैं अगर हार जाएंगे तो कंसेक्यूटिव 30वां फाइनल हारेंगे लेकिन उसके लिए अभी कुछ 1 से 1.5 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा विजेता घोषित करने के लिए 1 घंटा वेट करना पड़ेगा फिलहाल चीफ गेस्ट गेस्टर होते हुए शंकर की टीम के साथ अंदाज में शंकर की टीम येलो अपर ब्लू लोअर में इधर खिलाड़ी भी कुछ युवा खिलाड़ी भी आज का मैदान पर मिस्टर सुजात और मिस्टर रिंचेन साथ ही साथ एवेंजर्स के 11 खिलाड़ी मिस्टर वसीम के आदत में पिंक और ब्लैक मुकाबले को जीता है क्या बढ़िया मुकाबला ये सरकार ने ये ट्रॉफी हमने नाम कर दिया है तालियां तो बननी चाहिए इनके लिए ऑफिशियल सब जब तक ऑफिशियल नहीं होता तो क्रिकेट नहीं होता है और मेरे साथी स्कोरर मिस्टर सनी आज आज स्कोरिंग का भार संभाल रहे थे सनी अक्सर मिस्टर सनी जो कि आज थोड़ा मेरा आवाज मेरा साथ नहीं दे रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था हम दोनों मिलकर ये पूरा स्कोर चलाया और कमेंट करते हैं कि ये शाम इतना अच्छा नहीं है फिर मैं इन्होंने मेरे लिए ट्रॉफी रखा है बहुत बहुत धन्यवाद और इनको दिया जाता है बहुत ही खूबसूरत चमचमाती हुई साइकिल और ये देखिए ये साइकिल है बहुत ही शानदार और ऑरेंज कैप इनको प्रदान किया जा रहा है थोड़ा ताली बजनी चाहिए इनके लिए और यहाँ से थोड़ा समय लूंगा मैं अजीज दिन से भी दो प्रश्न कहना चाहूंगा क्योंकि आसान नहीं रहता है अजीज दिन हाई टूर्नामेंट अजीज भाई सबसे पहला सवाल कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आज चला नहीं तो और कोई बात नहीं आज आपका बल्ला नहीं बोल लेकिन पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए क्या कहेंगे उद्यान के बारे में जो क्या 15 रन आपके पीछे था वो साइकिल उनके नाम भी हो सकता था उद्यान हर लक अजीज जीत गया 70,000 रुपया का कैश प्राइज और वो चेक भी दिया जाएगा थोड़ा सा फोटो सेशन थोड़ा सा ताली बननी चाहिए हम जानते हैं कि आप थोड़ा भूखे हैं और हम सब भूखे हमारे लिए रिफ्रेशमेंट इसके बाद दिया जाएगा और सुबह क्या सोचते आपकी जिस तरह का परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में दे रहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर का जिन्होंने एक इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया तो रही बात मैच की तो शंकर ने जिस तरह से थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला वो भी अनबीटन थे तो हम भी थे
लेकिन मैच तो बराबरी का था। टॉस के टाइम पे हम चाह रहे थे कि हम भी अगर टॉस जीतते तो बैटिंग ही करते, तो टॉस का खास कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आज दिन उनका था, जिस तरह से हर्ष और उर्गेन ने बॉलिंग की तो हम स्कोर थोड़ा लगभग ही 20-30 रन कम हुआ। जो खिलाड़ी हमने देखे शिखर में क्योंकि लगा के बाहर के थे, बहुत छोटे उम्र के थे लेकिन उनका मनोबल बहुत बड़ा था, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे उनकी फिटनेस वैसा उनका गेम, तो अच्छा लगा। ऐसे बाहर से कुछ प्लेयर्स आएंगे तो हम भी उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, तो मैं और भी अगर प्लेयर्स होंगे तो उनको भी वेलकम कहना चाहूँगा। हर एक टीम में एक एक दो दो प्लेयर अगर ऐसे बाहर के टीम बाहर के प्लेयर्स खेले तो हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जीशान शर्मा खिल्लस जवाब दोस्त और अंत में चाशी, तो जिस प्रकार फिर से तालियां बननी चाहिए इनके लिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। आखिरी मरहले में ये गेम और जिस ट्रॉफी का इंतजार एक महीने से कर रहे थे, उस ट्रॉफी के हकदार नाम गुदवा ली गए हैं, शलखर मोटे मोटे अक्षर में लिख चुका गया है। और क्या बढ़िया प्रदर्शन, बैक टू बैक पिछले साल भी 2 कप उठा चुके, इस साल इस टूर्नामेंट का पहला असम से वाला ट्रॉफी और सूत्र के अनुसार 5 वाले ट्रॉफी, और इस साल भी 3 ट्रॉफी। जगह है कुछ बाकी या बनाया हुआ है? जगह तो बहुत है, अभी फ्यूचर में और खेलना है हमने। लोगों का साथ अच्छा रहा, टीम का टीम वर्क अच्छा था, इसीलिए ये रिजल्ट कोई पॉजिटिव आ रहा है। बहुत सारे टीम थे, दर्जनों साहब ने वसीम साहब से पूछना भूल गया जो इनके कप्तान थे, इस साल इस टूर्नामेंट में लगभग हर टीम में लद्दाख के बाहर के बहुत प्लेयर थे, चाहे वो कश्मीर से प्लेयर आ रहे हो, चाहे करगिल से आ रहे हो, चाहे कोलकाता यूपी, तो इस तरह के बहुत सारे खिलाड़ी दिखे। किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं इस तरह अगर बाहर से प्लेयर ज़्यादा आते हैं, और बहुत सारे टीम तो बाहर भी चले गए, तो किस तरह के चेंजेस लद्दाख के प्लेयर में आ सकते हैं इस तरह अगर और बाहर से खिलाड़ी आएंगे तो? जी बाहर से प्लेयर आने का लद्दाख क्रिकेट के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बाहर के लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी सचिन भाई है और वो लोग हमें, हम प्रैक्टिस साथ में करते तो वो हमें हर चीज़ सिखाते कैसे है। ये तो अगर मैं ना भी बोलूँ तो पीछे से उठा के लेके जाएंगे, इतनी बड़ी ट्रॉफी सबको दिखेगी। और ये देखिए इस हमारे ऑर्गेनाइजर को बहुत भारी लग रहा है, अब यहाँ तशरीफ लाए, सभी टीम आ जाइए, शंकर की पूरी टीम आ जाइए। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, शेखर विजेता, सेकंड एडिशन ऑफ मोहम्मद इकबाल मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेता, तो ताली तो बननी चाहिए इनके लिए, ज्यादा ताली बननी चाहिए। बहुत धन्यवाद।